सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यू और आवर वर्ल्ड। सो गाइस, आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और हम आज बात करने वाले इस हाई प्रेशर स्विच के बारे में। जैसे कि आप इसका आप देख सकते हैं, उस पर लिखा है हाई प्रेशर स्विच। उसका कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से इसका यूज़ होता है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसके लगाने के लिए हमारे को इस तरीके से थिम्बल लगाने पड़ेंगे वायर के अंदर, जैसे इस तरीके से वायर में थिम्बल लगाने पड़ेंगे। और इसको एक थिम्बल लगेगा इसका ऊपर यहाँ पे, और एक थिम्बल लग गया इसका इस तरीके से। मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ सर। गाइस, इस तरीके से इसके थिम्बल सेट हो जाएंगे और ये लग जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। मोस्टली गाइस, इसका यूज़ ज़्यादातर मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस किया है और देखा है, इसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं एक अंडर सिंक आर ओ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर टैंक लगा होता है और उसके ही प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें इस हाई प्रेशर स्विच की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो एक प्रेशर की लिमिट होती है, उसको कितना मेंटेन करना है, किस तरीके से बनाना है। अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो ये ऑटोमेटिक कट कर देता है। इसमें ज़्यादा प्रेशर, एक लिमिट होती है ना हर प्रेशर टैंक के अंदर, कि इतना ही प्रेशर झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। तो ये उसमें यही काम करता है। अगर एक लिमिट से ऊपर जैसे इसका प्रेशर जाता है, इसके अंदर एक सेट किया होता है, इतने प्रेशर तक ही जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक कट कर देता है। तो गाइस, हाई प्रेशर स्विच का ये काम होता है। इससे हमारा जो प्रेशर टैंक है उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलती है और अच्छे से वो वर्किंग करता है, और हमारे आर ओ के जो पार्ट लगे होते हैं अंडर सिंक आर ओ के अंदर, जो पार्ट लगे होते हैं वो अच्छे से ज़्यादा चलते हैं, और इस तरीके से हमारा अंडर सिंक आर ओ काम करता है। और गाइस, अगर आपको हाई प्रेशर स्विच परचेस करने हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर से। तो गाइस, आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, और मैं जल्द ही हाई प्रेशर स्विच के, जैसे मैंने आपके ऊपर इस वीडियो को बोला था बनाऊंगा, मैंने बनाई है, और मैं जल्द ही गाइस अंडर सिंक आर ओ कैसे असेंबल किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, फुल वीडियो होगी उसको। तो गाइस, जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि वो वीडियो आप देख पाएँ जल्दी से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।